वही जिले के हंडिया तहसील में नर्मदा तट पर स्थित गुर्जर आश्रम में मुकुंद मुनि संस्कृत विद्यापीठ का संतों के सानिध्य में हुआ शुभारंभ। श्री मुकुंद मुनि संस्कृत विद्यापीठ आश्रम गुरुकुल का उद्घाटन हुआ, जिसमें विशाल कन्या भोज, पौधारोपण, संत ब्रह्म भोज आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें समस्त जिलों से आए विद्यवान ब्राह्मण और संतों ने हिस्सा लिया। मुकुंद मुनि संस्कृत विद्यापीठ के संचालक पंडित राजेश शर्मा ने बताया कि संस्कृत विद्यापीठ के प्रारंभ होने से ब्राह्मण बच्चों में संस्कृत की शिक्षा का विस्तार होगा। प्रतिष्ठित वे संस्कृतम संस्कृतिस्थ था मोक्षदायिनी माँ नर्मदा के दक्षिण तट श्री देवनारायण मंदिर परिसर में श्री मुकुंद मुनि संस्कृत विद्यापीठ आश्रम का भव्य शुभारंभ नेमावर हंडिया के संत समाज की पावन सानिध्यता में एवं श्री बागली वागयोग चेतना पीठम आश्रम बागली की वहाँ के आचार्यगण, वहाँ के विद्वत्जन, वहाँ के संचालक पंडित श्री कनिष्क जी द्विवेदी, पंडित ओम प्रकाश जी शर्मा की पावन सानिध्यता में गुजर रेवा सेवा समिति हंडिया, श्री गिरिराज भक्त मंडल रेलवा हरदा बागली इंदौर इटारसी जलगांव भुसावल के शुभ सदस्यों की उपस्थिति में यहाँ पर श्री मुकुंद मुनि संस्कृत विद्यापीठ का शुभारंभ हुआ।